जी फ्रेंड्स, ये वो दुकान है जहाँ पे हम अपने बाइक लूटेंगे। इसके हमने सारी जेबें खाली करवानी है। आप आए यहाँ पे, चक्कर लगाएं, इसकी बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। इसके नाम सिटी है। ठीक है, वैसे आपको काम बड़ा ज़बरदस्त है, हम पसंद आया हमें। शुक्रिया। ठीक है तो जी गाइस, आपके लिए एक सरप्राइज है, एक आपके लिए खुशखबरी है। मैं वीडियो के आगे चल के बताऊँगा। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम टू माय चैनल। नहीं, इस तरह नहीं, मज़ा नहीं आया, अपने तरीके से करते हैं। तो जी गाइस, सीन कुछ ऐसे हैं कि आज हमारा खाने का दिल कर रहा है, चटपटा खाने का दिल कर रहा है, फास्ट फूड खाने का दिल कर रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अपने मंगल अड्डे पे। ये ब्लॉग पूरा का पूरा फूड ब्लॉग होने वाला है, और इसमें मेरा भाई है और मेरा कज़न है। अभी रात का टाइम है, तो मैं छोटे भाई मेरे पीछे पड़ गए, कहते हैं कुछ खिला जुला, आज फास्ट फूड खिला दो, कोई बर्गर शर्गर खिला दे। मैंने बोला चलो यार कर लेते हैं। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और आज हमने इनको मना ही लिया आखिरकार, और इनको कुछ ना कुछ अभी ट्रीट देने जा रहा हूँ, कोई बर्गर शर्गर खिला देता हूँ उनकी। हाँ आप देख सकते हैं, मैं अभी इनको लेके जा रहा हूँ, और मैं बाइक पे हूँ। 2 मिनट का फासला है, चलते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम पहुंच चुके हैं मंगला अड्डे पे इधर, तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं इनके जो जिनको साथ लाए हैं उनकी पसंद पूछ लेते हैं। भाई क्या खाना आपने? भाई मैं तो खाऊंगा समोसा चाट खाऊंगा। नहीं, मैं तो खाऊंगा समोसा चाट। समोसा चाट मैंने भी खाना है। समोसा चाट मैंने भी खाना। ये शॉप्स हैं सारी, ये मतलब ये फास्ट फूड वाली हैं, तो हमने इधर से इनमें से कोई एक ढूंढनी है जहाँ पे हम बैठ के खाएंगे। देखते हैं अभी कहाँ बैठना है। अभी हमें आ जाओ भाई। इधर हर चीज़ दुकानें हैं, बारबेक्यू वाली भी हैं, उसमें बर्गर पॉइंट, शर्मा, हर चीज़ की हैं। ये फ्रूट चाट है। तो फ्रेंड अभी ये कढ़ाई हाउस है, यहाँ पे टिक्के शिका बनता है। तो अभी हमने इस दुकान पे जाना है, मिस्टर टी बारबेक्यू, इसमें जाके कुछ हमने ट्राई करना है। हाँ जी फ्रेंड्स, ये वो दुकान है जहाँ पे हम अपने बाइक लूटेंगे। इसके हमने सारी जेबें खाली करवानी है, तो इसके ना व्लॉग वगैरह को लाइक किया करें। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी दुकान है, ये चेक कर सकते हैं आप, ये बड़ी मशहूर दुकान है। आप आएँ यहाँ पे, चक्कर लगाएं, इसकी बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। इसके नाम मिस्टर टी है, ये बिल्कुल अड्डे के ऊपर ही। आप आएँ, अंदर जा रहे हैं शॉप के अंदर। शॉप है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी शॉप है। इधर बैठ जाए यार, ये शॉप है, ये फैमिली की भी जगह है, साइड पे लोग रश होता है काफ़ी। बैठ गए हो, कोई ऑर्डर शर्डर करें? अच्छा जी, ऑर्डर देते हैं उससे पहले आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और वीडियो को लाइक करें। ये तो फ्रेंड अभी हम इधर बैठ गए हैं, तो उधर हमने ऑर्डर दे दिया, तो हमारा बर्गर खत्म हो चुके हैं, तो हमने अभी ऑर्डर किया है समोसा चाट का। तो ये जो दुकान है जहाँ पे बैठे हैं, ये बड़ी मशहूर है यहाँ मंगला की, आप जरूर विजिट करें। तो ये जो है मंगला रोड भी है, मेन रोड पे मंगला पे। तो ये शॉप का नाम है आई थिंक मिस्टर टी है। मैं हमेशा इधर ही आता हूँ बड़े मज़े की। यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि यहाँ की सफाई बहुत होती है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं। यहाँ पीछे जो देख रहे हैं आप, ये फैमिली का इंतजाम है, यानी कि जो आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं वो भी आप इधर आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है, तो खाने की तैयारी में है। इसके बाद जब खा लेंगे तो उसके बाद आपको मैं इंटरव्यू करवाऊँगा। जो बंदा है इस दुकान का मालिक, बड़ा अच्छा, बड़ा नाइस पर्सन है, आपसे कॉपरेट करेगा अगर आप आएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, मेन्यू आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये देखिए, ये मेन्यू है, आप जो चीज़ आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और जनाब, जो बाकी रही बात लॉकडाउन की, यार वो लॉकडाउन का कुछ हल्का हुआ है, यानी कि फुल खुला नहीं है मगर खुल गया है। दुकानें जो आम दुकानें होती हैं कारोबार, वो खुल गया, बाकी जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद ही है फिलहाल। तो ये व्लॉग इतना मतलब छोटा सा ही है, मैंने फुल डिटेल नहीं बनाया, आपको किसी और दिन मंगला फूड का जो प्रॉपर व्लॉग है पूरी डिटेल से बताऊंगा। वैसे मैं अभी जल्दी जल्दी में आया था, बोला कुछ चीज़ खिला थे, मैंने बोला खिला थे। Hey boy.
तो फ्रेंड खाना पीना हो गया, अभी हम तो शॉप वाले से अभी इंटरव्यू करेंगे, थोड़ा उससे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये शॉप आपने कब से बनाई है? दो सवा दो साल हो गए। ये सही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम जा रहा है। और लोग कितने डेली बेसिस पे आते हैं? डेली बेसिस पे डिपेंड करता है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा काम कभी अप डाउन लगा रहता है। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल जाकर सेल करती है। ठीक है। वैसे आपका काम बड़ा ज़बरदस्त है, हम पसंद आया हमें। शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है। बस ब्लॉग ख़त्म करने वाले हैं, और उससे पहले मैं आपको जो देने वाला था खुशखबरी, वो ये है कि मैं जो खाने पीने के असरात हैं उनके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ फूड ब्लॉग की, यानी कि मुख्तलिफ जगह पे जाऊँगा और फूड ब्लॉग स्टार्ट करूँगा और उनको मज़े मज़े के खाने दिखाऊँगा। चलते हैं, बाकी बातें करते हैं घर में जाके, तो वहीं पर एंड करेंगे। जी तो फ्रेंड, मैं अभी घर आ चुका हूँ। तो ब्लॉग जो हमने खाना था वो तो नहीं मिला, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, हमारा लेट प्रोग्राम बना था। हमने खाने थे बर्गर, मगर वो बर्गर नहीं मिले तो ख़त्म हो गए थे। हमने फिर समोसा चाट खाई बस, तो थोड़ा एंजॉय किया है। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा व्लॉग। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, कोई अच्छा सा व्लॉग लाएंगे। और मैंने फूड सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो लोग खाने के शौकीन हैं उनके लिए फूड व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ के खाने पीने के व्लॉग बनाऊँगा। ठीक है फिर, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।